कुरुक्षेत्र के पीपली होटल पैराकिट में पिछले 2.5 घंटे से प्रशासन और किसान संगठनों के साथ मैराथन बैठक हुई। बैठक से प्रशासनिक अधिकारी निकले। कुरुक्षेत्र के एसपी सुरेंद्र ने बीते 24 घंटों में पहली बार मीडिया को बताया कि बैठक सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई है, वह जल्दी ही पूरे मसले का हल निकलेगा। एसपी सुरेंद्र ने बताया कि 1 घंटे तक इस पूरे मसले का हल निकलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र और आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। बात चल रही है अभी, क्योंकि प्रोसेस में अभी अब तक घंटे तक कुछ रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो मेरी अपील है कुछ जो जरूरी काम पे ही निकले, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाईवे पे 7 जगह रूट डाइवर्ट किए गए हैं और मीडिया के माध्यम से रूट डाइवर्जन का प्लान भी शेयर किया गया है। तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस जरूरी है, लेकिन कोई ज्यादा परेशानी नहीं आ रही है। सर, बातचीत तो कल निकल सकता है? बिल्कुल निकलेगा। कुरुक्षेत्र के पीपली होटल पैराकिट में पिछले 2.5 घंटे से प्रशासन और किसान संगठनों के साथ मैराथन बैठक हुई। बैठक से प्रशासनिक अधिकारी निकले। कुरुक्षेत्र के एसपी सुरेंद्र ने बीते 24 घंटों में पहली बार मीडिया को बताया कि बैठक सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई है, वह जल्दी ही पूरे मसले का हल निकलेगा। एसपी सुरेंद्र ने बताया कि 1 घंटे तक इस पूरे मसले का हल निकलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र और आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। बात चल रही है अभी, क्योंकि प्रोसेस में अभी अब तक घंटे तक कुछ रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो मेरी अपील है कुछ जो जरूरी काम पे ही निकले, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाईवे पे 7 जगह रूट डाइवर्ट किए गए हैं और मीडिया के माध्यम से रूट डाइवर्जन का प्लान भी शेयर किया गया है। तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस जरूरी है, लेकिन कोई ज्यादा परेशानी नहीं आ रही है। सर, बातचीत तो कल निकल सकता है? बिल्कुल निकलेगा। कुरुक्षेत्र के पीपली होटल पैराकिट में पिछले 2.5 घंटे से प्रशासन और किसान संगठनों के साथ मैराथन बैठक हुई। बैठक से प्रशासनिक अधिकारी निकले। कुरुक्षेत्र के एसपी सुरेंद्र ने बीते 24 घंटों में पहली बार मीडिया को बताया कि बैठक सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई है, वह जल्दी ही पूरे मसले का हल निकलेगा। एसपी सुरेंद्र ने बताया कि 1 घंटे तक इस पूरे मसले का हल निकलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र और आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। बात चल रही है अभी, क्योंकि प्रोसेस में अभी अब तक घंटे तक कुछ रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो मेरी अपील है कुछ जो जरूरी काम पे ही निकले, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाईवे पे 7 जगह रूट डाइवर्ट किए गए हैं और मीडिया के माध्यम से रूट डाइवर्जन का प्लान भी शेयर किया गया है। तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस जरूरी है, लेकिन कोई ज्यादा परेशानी नहीं आ रही है। सर, बातचीत तो कल निकल सकता है? बिल्कुल निकलेगा।